बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू आवर चैनल एस्पायरेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिवेंटिव ऑफिसर FPR का टेस्ट, जो कि आज हुआ है 23 अक्टूबर 2022 को। तो इसके जितने भी MCQs हैं वो हमने डिफरेंट सोर्सेज से गैदर किए हैं और आप लोगों के लिए स्पेशली हमने सॉल्व किए हैं। सो आप हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसमें हम जो पास पेपर्स हैं और जो करंट पेपर्स हो रहे हैं वो भी साथ साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं पेपर की तरफ। आज इसमें जो पहला MCQs आया है वो आया है रशिया है लॉन्च मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट यूक्रेन ऑन। तो रशिया ने जो मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट यूक्रेन स्टार्ट किया हुआ है वो स्टार्ट किया था 24 अक्टूबर 2022 को, जो पे अब तक ऑन गोइंग है, ठीक है। सेकेंड MCQs है सेलुलर मोबाइल सब्सक्राइबर्स इन पाकिस्तान हैव रीच डैश एट द एंड ऑफ मार्च 2021। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ एक्टिव सिम्स हैं पाकिस्तान में वो रीच हो गई हैं 182 मिलियन, जो कि लास्ट डेटा एक्वायर हुआ है मार्च 2021 को। जो थर्ड MCQs है वो हमारे पास है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2022 बाय द वर्ल्ड बैंक फोरकास्ट -% ग्रोथ रेट फॉर पाकिस्तान इन द करंट फिस्कल ईयर 2021 to 2022। ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास वर्ल्ड बैंक फोरकास्ट रिपोर्ट शाया करती है उसके मुताबिक पाकिस्तान की जो करंट ग्रोथ रेट है वो है 3.4%। अच्छा, नंबर फोर MCQs है अकॉर्डिंग टू इस्लाम मदर शुड फीड बेबी टिल एज ऑफ। तो ये मिल्क फीडिंग की बात हो रही है जो कि है 2 ईयर्स इस्लाम में। अच्छा, नंबर फिफ्थ MCQs है व्हाट इज़ 20% ऑफ 375। तो जो 20% है 375 का ये है ऑप्शन बी 75। उसके बाद हमारे पास है पाकिस्तान एक्सटर्नल डेप्थ ऑन 21 दिसंबर 2021। तो जो एक्सटर्नल डेप पाकिस्तान का इस डेट 21 दिसंबर 2021 तक था वो था 130.6 बिलियन US डॉलर्स, ठीक है। सूडान पर्सन हु इज़ UN क्राइसिस कोऑर्डिनेटर फॉर यूक्रेन। तो सूडान का बंदा जो कि कोऑर्डिनेटर है UN क्राइसिस में यूक्रेन के लिए वो है अमीन अवार्ड, ठीक है। नंबर एट MCQs है 5+1 अलायंस इंक्लूड्स विच कंट्रीज। तो 5+1 अलायंस में जो कंट्रीज़ हैं वो हैं चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और जर्मनी। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये 5+1 अलायंस में हैं। अच्छा, नंबर नाइन MCQs है द करंट प्रेसिडेंट ऑफ जॉन ई डिनोगे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बिलोंग्स टू। तो ये जो पर्सनैलिटी है ये कौन सी कंट्री से है, ये है US से। फिर नंबर 10 MCQs है हु इज़ द नेशनल बर्ड और विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। तो जो नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान है वो है ऑप्शन डी चाकोर। अच्छा, नंबर 11 MCQs है हु बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर अयूब खान। अयूब खान के बाद कौन प्रेसिडेंट बने थे, वो हमारे पास बने थे जनरल यहिया खान। नंबर 12 MCQs है समर ओलंपिक वाज हेल्ड इन। तो समर ओलंपिक्स जो थी वो 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 तक हुई थी और ये हुई थी जापान में। तो नंबर 13 MCQs है विच सूरा इज कॉल्ड सबुल मसानी। तो ये हमारे पास का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी अल सूरा अल फातिहा। नंबर 14 MCQs है हु इज़ द हेड ऑफ कमीशन फॉर वोमेन स्टेटस फ्रॉम 28 जुलाई 2021। तो ये इसका जो आंसर है ये हमारे पास है नीलोफर बख्तियार और ये करंट भी अभी तक चल रही है। नंबर 15 MCQs है होली प्रॉफिट कैंप्ड इन विच मॉस्क एट द टाइम ऑफ हजरतुल विदा। तो हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरतुल विदा के मौके पर कौन सी मस्जिद में रुके थे, उसका आंसर है मस्जिद अल मशार अल हराम, ठीक है, इसमें उन्होंने कैंप किया था। नंबर 16 MCQs है हु वाज़ अ फाउंडर ऑफ FIA इन पाकिस्तान। तो FIA पाकिस्तान में बनाई थी जुल्फिकार अली भुट्टो ने। नंबर 17 MCQs है 76 यूनेस्को फाउंडिंग एनिवर्सरी विल बी हेल्ड इन। तो ये जो 76 यूनेस्को की एनिवर्सरी थी ये थी 2021 में और जो यूनेस्को है ये बना था 16 नवंबर 1945 में। नंबर 18 MCQs है हु इज़ द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑप्शन बी है, सॉरी करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये ऑप्शन है हमारे पास
सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है। नंबर 19 एमसीक्यूज है, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ सिकंदर मिर्ज़ा प्रेसिडेंसी। सिकंदर मिर्ज़ा जो प्रेसिडेंट रहे थे वो रहे थे 23 मार्च 1956 में आए थे और 7 अक्टूबर 1958 तक वो थे। इसके बाद हमारे पास है विच प्रोविंस इनिशिएटेड लाइब्रेरी एवरी यूनियन काउंसिल, तो सारे यूनियन काउंसिल में जो लाइब्रेरीज बनाई थी वो इसकी करेक्ट ऑप्शन है सी सिंध। 21st एमसीक्यूज है, अफगानिस्तान गवर्नमेंट कोलैप्सेज एस तालिबान टेक्स काबुल ऑन, तो तालिबान ने जो काबुल पे कब्जा किया था वो किया था 15 अगस्त 2021 में। नंबर 22 एमसीक्यूज है, द मिन्स्क एग्रीमेंट वाज सीरीज ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स विच सॉट एंड वॉर इन, तो इसका आंसर है यूक्रेन। नंबर 23rd एमसीक्यूज है गोमल, नंबर 23rd एमसीक्यूज है गोमल जम डैम इज इन, तो ये है साउथ वजीरिस्तान में ऑप्शन बी, और ये हमारे पास जो है तो एक्स फाटा का एरिया था जो कि अब केपी में मर्ज हो चुका है। और फिर 24 एमसीक्यूज है, कोल्डेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान इज, तो ये जो हमारे पास ऑप्शंस गिवन है इनमें जो कोल्डेस्ट प्लेस है वो स्कर्दू है। नंबर 25 एमसीक्यूज है, विच पाकिस्तानी वेट लिफ्टर वन द गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ ओलंपिक गेम्स 2022, तो ये हमारे पास वेट लिफ्टिंग में इन्होंने विन किया था, इनका नाम है मोहम्मद नूर दस्तगीर भट्ट। तो अब तक हमारे पास ये एमसीक्यूज आए हैं, तो अब तक हमारे पास ये 25 एमसीक्यूज आए हैं, हमने इनको सॉल्व किया। इसके अलावा अगर आपको कोई एमसीक्यूज पता हो, कोई याद हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में वो एमसीक्यूज शेयर करें, हम उसके आंसर सर्च आउट करके फौरन उस पर वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा हम पास पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं, करंट जो टेस्ट एग्जाम्स हो रहे हैं उनको भी सॉल्व कर रहे हैं, तो काइंडली हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर हमारे पास आपके पास कोई ऐसे पास पेपर्स हैं या कोई ऐसे टेस्ट हैं तो हम इधर व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, आप उस पर शेयर कर सकते हैं और हम टाइमली इसको सॉल्व करके आप लोगों को इसके आंसर्स बताएंगे। सो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।